मैं भी और तमाम अरकान मजलिस-ए-आला की तरफ से जनाब एसएम तनवीर साहब को गुजरांवाला चैंबर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ लाने पर भी तागे रहने के कुछ आमदीद कहता हूँ। यह हमारे लिए बाइचे खुशी है कि आज हमारे दरमियान बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक रखने वाली मजी हुई कारोबारी शख्सियत बतौर सबाई वजीर बरए सनत अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। माजी में इस तरह की मिसाल बहुत कम मिलती है कि किसी मुतल्लिका शोबा जात में तजर्बा रखने वाली शख्सियत को वजारत का मनसब दिया जाए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आप मुल्की मीशत और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से गहरी नजर रखते हैं और कारोबारी हलकों में आपको एक इम्तियाजी मकाम हासिल है। मैं समझता हूँ कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस फैसला पर इंतहाई मुतमिन है कि कारोबारी मुश्किलात को हल कराने में इंतहाई आसानी पैदा होगी और बिजनेस कम्युनिटी के जरूरी और अहम मतालबात को फिर फौर मंजूर करवा सकेंगे। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। मैं अब आपकी खिदमत में गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी के अहम मतालबात जरूरियात पेश कर करता हूँ। बाद में गुजरांवाला की इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से भी दरपेश मसाइल की तरफ से आपकी तवज्जो मंजूर करवाना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 3 में तब्दीली के लिए डी नोटिफिकेशन। स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 4 की तस्वीर के हवाले से आपकी जानब से सूबाई हुकूमत को सिफारिश मतलूब है कि इस बारे जल्द अज जल्द की जाए। स्मॉल इंडस्ट्रियल नंबर 4 की तस्वीर के हवाले से आपकी जानब से सूबाई हुकूमत को सिफारिश मतलूब है कि सिफारिश जल्द अज जल्द की जाए। जिला गुजरांवाला में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्याम नागजीर है। गोल्डन इंडस्ट्रियल ट्राइंगल में इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद है और यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्याम से बहुत जल्द प्रोडक्शन और रोजगार पैदा करने के नतीजे हासिल होंगे, जबकि दूर दराज इलाकों में नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना वो नतीजे मिल सके। माहौलियाती आलूदगी जैसे मिसाइल के पीछे नजर सस्ती जमीन शहर से बाहर फराहम की जाए, जिसके लिए इंडस्ट्री को मुंतकिल करने पर मराहत दी जाए ताकि शहर से बाहर मेटल प्रोसेसिंग से मुतल्लिका इंडस्ट्री को मुंतकिल किया जाए। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि गुजरांवाला को 500 एकड़ आबादी दी जाए जहाँ पर एक मुकम्मल इंडस्ट्रियल स्टेट कायम हो, जिसमें मेटल प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अलग अलग जगह मुख्तस हो। गुजरांवाला में एक्सपो सेंटर नागजीर है। सूबाई वजीर बरए इंडस्ट्री कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट मियां असलम इकबाल ने भी गोल्डन ट्राइंगल रीजन के लिए एक्सपो सेंटर की कदर 50 एकड़ रखी है। तो जल्दी मीटिंग करें, इन्होंने इमीडिएटली मीटिंग की, उसमें भट साहब भी आए, उसमें जरार साहब भी आए और दूसरी चैम्बर से भी हमारे दोस्त आए। उस मीटिंग में उन्होंने एक मिनट्स बनाए, मिनट्स बना के उन्होंने अपने सब दोस्तों को दिखा के मिनट्स बनाए और बोला ये काम है जो आपने अपने बोर्ड में जाके करना है, पीसी के बोर्ड की मीटिंग कॉल करें। और मैंने मलिक साहब को बोला देखिए ना ज्यादती गवर्नमेंट के साथ हो, पीसी के साथ हो, ना इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो, तो इसको मैंने कसम दिया आप न्यूट्रल होके काम करेंगे, गलत काम नहीं। इन्होंने जो जो रिकमेंडेशन हमें बोर्ड से करनी थी उसका मीटिंग का टाइम होता है 7 डेज नोटिस होता है, हमने नोटिस करके वो फैसला कर दिया। मुझे जरार साहब का शुक्रिया का मैसेज भी आया था सर, आपने वो भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ ना, 1% आपने किया जो हो जाएगा वो तो मिनट्स ये फैसला हो गया तो हक्का आ जाएगा, तो मिनट से आ जाए ना सर। वो हम कर दिया नहीं सर, हमें नहीं ताली लेनी इसमें, हम तो बात कर रहे हैं कि उसके बाद बड़ा चेहरे है ताली नहीं मारी हम उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। उसके बाद मेरे एक और दोस्त दूसरी चैम्बर से आए और उन्होंने नाराजगी शुरू की, जैसे अभी आप कर रहे हैं कि हमारा तो काम नहीं हुआ। मैंने ये क्या हुआ, जब सारे मिनट्स बन गए जो काम मेरे जिम्मे लगा और मैंने बोर्ड में भी जाके फैसला कर दिया और जो जो BOMs बनने थे हमने उसकी भी रिकमेंडेशन भेज दी कि बना के भेज, आज नहीं बना तो कल बन जाएगा, बन जाएगा। बट मैंने फिर बोला कि मैंने यार मैं हैरान हूँ आप उस मीटिंग में नहीं आए, आपके प्रेसिडेंट आए थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, अगर आपकी फिर भी नाराजगी है तो आप फिर मेरे पास आ जाओ। तो हम शेखपुर सियालकोट जा रहे थे और मिलके साथ जा रहे थे की गाड़ी में, तो मैंने यार 28 तारीख को मैं सारा दिन सुबह से शाम बैठ जाऊंगा डिपार्टमेंट में, अगर कोई काम नहीं कर रहा है या कोई इशू आ रहा है अब आप बैठ के अपना सारा काम करा के, और सब ग्रुपों में लिखा मैंने
सब ग्रुपों में मलिक साहब पीछे बैठे, हमने डाला कि जो सारी चैंबर्स एसोसिएशन पिसिक से मसला वहां पर आ जाए हमारे पास, सिर्फ दो चैंबर आई सर, कोई भी नहीं आया। आप यकीन एसोसिएशन और एक चैंबर, एक एसोसिएशन और एक चैंबर, सियालकोट चैंबर आई, हमने वहां पर बैठ के वो एक अपनी एक लेकर आई बीएम का, हमने उसको वाई पे नोटिफाई कर लिया। दूसरा बीएम जो लेकर आए थे उनका एक कानून है कि जो आदमी डिफॉल्टर है, एजुकेशन का नहीं था, जो आप कहते हैं ना कितना पढ़ा लिखा ऐसी कोई बात नहीं थी, जो डिफॉल्टर है उसको बीओएम का चेयरमैन नहीं बनाएंगे और जिसकी फैक्ट्री चल रही है उसको बनाएंगे, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही उसको नहीं बनाएंगे। तो मैंने उसको रखते हुए मैंने उनको बोला, मैंने सर आप जो दूसरा बीओएम यानी कि वहां भी इंडस्ट्रियल स्टेट वन और टू थी, तो उसका प्लीज मैं यहीं बैठा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप मुझे बंदे अभी दे, मैं यहां बना के उठना है, मैं आया स्टाफ के लिए ना, आपके लिए तो आया हूं। अब उन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, वो दे देंगे, दो दिन में उनका फोन आया, मैं दो दिन दूंगा फिर जाके बैठ जाऊंगा। अगर इंटरनेशनली दुनिया में कहीं देखा जाए तो बिल गेट भी जो है वो भी इतना पढ़ा नहीं होगा जितना उसने हमारे एम्बार्गो लगा दी है, जो बनाते जाओ जहां भी बॉम्ब आपने बनाना बना रहे। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कर पाते हैं, मान ले तो नजायज हम छोड़ देंगे। थैंक यू सर, मैं थोड़ा शुक्रिया सर, एक तो शुक्रिया आप आए माशाल्लाह, आपको देख के हमें भाईजान की याद आती है, अल्लाह ताला उन्हें एक रहमत करे, करवट करवट जन्नत दे, और खुशकिस्मती है हमारी के हमारी लीडरशिप कायम होना है ना। शेख साहब जो बात कर रहे थे बुनियादी बात थी कि स्टेट नंबर वन की हाल है, काफी प्रॉब्लम है उसको, तो वो हैंड ओवर कर दी थी, मैं खुद भी स्मॉल अचीव स्टेट में रिटर्न हमारे पास आया उसे, हमेशा मसला सिर्फ ये है हम चाहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जिसे पिसिक कहा जाता है, ये बनी इसलिए कि इस द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल दे प्रोवाइड द फैसिलिटी, मतलब ये मकसद है ना इसका। लेकिन टाइम बीइंग अच्छा काम शुरू किया, हम लोग भी गए चले मिले लोगों को थोड़ी सहूलत मिला, लेकिन टाइम बीइंग ये अपने आप को एक कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट बनता था, गवर्नमेंट का इदारा बन गया ना सर, बुनियादी ये बात है, मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना नहीं है। उसकी मिसाल ये है, मैं स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लांट लेता हूं, अगर मैं जीटी रोड पे लेता हूं तो मुझे इंडस्ट्रियल स्टेट में ज्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मुझे वहां पे नॉर्मल चीजें मिलनी चाहिए, नहीं इस तरह भी इन्होंने बताया। ये जब कानून बना था ना, मैं उस वक्त भी उस वक्त हमारे मुस्लिम लीग का दौर था, शेख अलाउद्दीन साहब है ना हमारे टोटा वाले, वो मैं तो उठे रही सर टोटा कंपनी में तो कानून कोई और बना था, मैं दो बारी लड़ के आया, मैं कह शेख साहब तुम छट दो ये काम, तुम क्यों बैठे हो किसी बंदे को दो, मैं बंदा नहीं, मैं मेरे तो नहीं लगता पा, जाओ फिर करा लो जा सर गले भी, जो बह के गल करोगे फिर क्या हो। उससे पहले चौधरी शफीक था बहुत अच्छा सर, हर काम शामिल से होता जिस तरह आप लोग करते हैं, उसके बाद फिर असलम इकबाल आया बंदा तो भी फिलहाल ठीक है, लेकिन भी गलत ही गल कोई ये टके का काम नहीं उम्र सर, मैं अपना नहीं किया, नहीं 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 उम्र की कोई वजह नहीं, साड़ी इको पार्टी है, बिजनेस पार्टी है, बिजनेस पार्टी है, मेरा भाई है, अच्छा उम्र भी साड़े नाली है, मतलब ध्यान करना। मलिक साहब से हमारी मीटिंग हुई, आपने बुलाया, उससे काफी अच्छी बातें, शेख साहब भी थे, काफी अच्छी बातें होंगी। मलिक साहब हम लोग ये चाहते हैं मिसाल तौर पर, उन्होंने कहा कि 1% वैल्यू का लेते हैं, रजिस्ट्री कराने से दे देंगे, आप मकसद कर ले, आप कह रहे थे वो 1.5% कर रहे हैं अभी, देखिए 1% वहां हम दें, 1.5% फिर आपको दें, वो फिर वैल्यू पे लेंगे, आजकल पता है आपको वैल्यू एक एक मरले की चार चार तरह वैल्यू लग जाती है, क्यों ट्रांसफर के क्यों पैसे लेते हैं, जिस तरह सब सोसाइटी है ना, वहां मॉडल टाउन सोसाइटी है आपकी, हमारी मॉडल टाउन सोसाइटी ट्रांसफर की एक फीस रखी हुई है, एक कनाल का 70,000 है, दो कनाल का 1,20,000 है, वहां भी ले लेंगे, फिर कॉर्पोरेट
हमने अपना नाम तब्दील करना है, ऑनरशिप नहीं तब्दील करनी, मैंने सिर्फ नाम बदलना है तो फलाना मेटल है फलाना इंडस्ट्री 3% कहते हैं दे दो वैल्यू का नहीं है। पहले था तुसा उठ गया कि 1.5% ये तक तला नहीं, यहाँ 0.5% कह रहे हैं, बोला हो ये नहीं होना चाहिए।